डेकोरेशन को नीलम पर गिराने के लिए मलिष्का ने कर दिए डेकोरेशन के स्क्रू ढीले, और पारो को फंसाने के लिए मलिष्का ने भेज दिया डेकोरेशन को ठीक करने के बहाने डेकोरेशन के पास, और उतार लिया मलिष्का ने पारो का वीडियो और ट्रैप यानी की फंसा दिया मलिष्का ने पारो को। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब मलिष्का डेकोरेशन के नजदीक खड़ी होगी, तभी डेकोरेटर मलिष्का को कहेगा कि मैम जरा आप थोड़ा डेकोरेशन से दूर रहिए, क्योंकि डेकोरेशन की फिटिंग पूरी नीचे से ही हुई है, वहाँ पे अगर गलती से जरा सा भी स्क्रू ढीला हो गया तो पूरा डेकोरेशन गिर जाएगा। तभी यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शॉक लगेगा और नीलम को बर्थडे पार्टी के डेकोरेशन के जरिए चोट पहुँचाने का मलिष्का के दिमाग में आइडिया आ जाएगा, जहाँ पर मलिष्का अपनी माँ किरण के पास जाएगी और किरण को कहेगी कि मॉम अभी डेकोरेटर ने मुझे कहा कि पूरा ये जो बर्थडे पार्टी का डेकोरेशन लगा है वो सिर्फ नीचे से ही स्क्रू के सहारे फिट है, और कहा कि अगर उसमें से जरा सा भी एक भी स्क्रू ढीला हो गया तो पूरा डेकोरेशन ही नीचे गिर जाएगा। तभी यह सुनकर मलिष्का की माँ किरण मलिष्का को कहेगी कि मलिष्का तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, अगर नीलम को तेरे इस प्लान से कुछ ज्यादा ही चोट आ गई और उन्हें कुछ हो गया तो। तभी यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। तभी यह सुनकर मलिष्का की माँ किरण को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर जब किरण कहेगी कि ठीक है जो भी करना लेकिन अच्छे से करना और किसी को पता ना चले, तभी यह सुनकर मलिष्का कहेगी कि आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसमें कभी किसी को कुछ पता चला है नहीं ना, तो ये भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये कहकर जब मलिष्का डेकोरेशन को ढीला करने के लिए स्क्रू को ढीला करने के लिए जाएगी और पूरे डेकोरेशन के नीचे पहिए को पूरा ढीला कर देगी, तभी यह सुनकर मलिष्का पारो के पास से डेकोरेशन गिराने के लिए पारो के पास जाएगी और मलिष्का पारो को कहेगी कि पारो वो डेकोरेशन है ना उसके नीचे मेरा सामान कुछ चला गया है, जाकर तुम देखकर कुछ मेरा सामान निकाल दो ना, मेरा हाथ बड़ा है ना तो तुम्हारा हाथ छोटा है तो तुम आसानी से निकाल लोगी। ये पारो मलिष्का की बात मानकर डेकोरेशन के पास जाएगी और जैसे ही सामान ढूंढने के लिए पारो हाथ डालेगी तभी डेकोरेशन का पहिया निकल जाएगा, जहाँ पर नीलम ठीक एग्जैक्ट डेकोरेशन के सामने खड़ी होगी, तभी वो पूरा डेकोरेशन नीलम पर आ गिरेगा जिसका पूरा वीडियो अपने फोन में मलिष्का निकाल देगी और लक्ष्मी मलिष्का को वीडियो निकालते हुए देख लेगी। यहाँ पर जब पारो डेकोरेशन के पास से खड़ी होगी और डेकोरेशन पूरी तरह से नीलम पर गिर चुका होगा, तभी मलिष्का नीलम आंटी चिल्लाकर नीलम के पास जाएगी, जहाँ पर जब पारो मलिष्का के पास आएगी तभी मलिष्का कहेगी कि ये सब पारो की गलती है, पारो डेकोरेशन के पास सामान ढूंढने गई थी और पारो से ही डेकोरेशन का पहिया निकल गया और कहेगी कि पारो तुमने ये क्या कर दिया। तभी यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शॉक लगेगा, जहाँ पर जब लक्ष्मी आगे नीलम को देखने के लिए आएगी तभी मलिष्का गुस्से से लक्ष्मी को कहेगी कि दूर रहो, तुम लक्ष्मी हो ही मनहूस, जब से आई हो तब से इस घर में बुराई हो रहा है और आज तो देखो पार्टी रखी थी इतनी बढ़िया लेकिन तुम्हारी वजह से लक्ष्मी पूरी पार्टी खराब हो गई और तुम्हारी इस बेटी की वजह से। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और ऋषि आयुष पूरा हादसा देखते रहेंगे और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, जहाँ पर तभी नीलम खड़ी हो जाएगी और पता चलेगा कि पारो की वजह से वो पूरा डेकोरेशन गिरा है। तभी नीलम छोटी बच्ची पारो को अरेस्ट करवा देगी और लेकिन लक्ष्मी पारो के साथ बुरा होगा तो आपको कैसा लगेगा और मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।